सबसे पहले आप ही से स्टार्ट होगा। ये भी रेडी नहीं है, ये भी रेडी नहीं है, हम पूरा रेडी है, यशु भी रेडी है, क्योंकि ये लोग कहीं जा ही नहीं रहे, सिर्फ हम ही जा रहे हैं। आते ही पकड़ लिया तूने इसको। गुड मॉर्निंग। ठीक है, कैसे मिला तेरे को आते ही? हाथों से मिल गया मुझे। कैसा रहा तुम्हारा कॉर्बिट में एक दिन? वो सिर्फ कैमरे के ऊपर देख रहा है जो कोल्ड शू लगा हुआ है। बताओ बताओ बताओ। अच्छा नहीं, यहाँ गर्मी लग रही है। गाड़ी छाया में तो है थोड़ी, लेकिन फिर भी धूप में है यार, ऐसे कैसे हो गया? धूप आ रही है ना। लेकिन हमने तो उसके नीचे खड़ी करी थी यार। मेरी तरफ धूप है, तेरी तरफ नहीं है। वेलकम बैक टू आवर चैनल एवरीवन, यू आर वाचिंग माइल चेजर्स। भैया आपको हमने कल दिखाया था, कॉर्बेट में थे हम। आज का दिन वापस जाने का है, लेकिन हमारे लिए एक और इम्पोर्टेंट चीज थी जो हमारे को यहाँ पे करके जाने थी, उसके बिना वापस नहीं जाना था। और ये कहीं ना कहीं इस बार हमारे लिए मेन पर्पस में भी था। अभी टाइम हो रहा है 10:10 और सिर्फ यशवी और मैं जा रहे हैं गिरिजा देवी टेम्पल, जहाँ पर हम लास्ट टाइम भी गए थे, उसके लास्ट टाइम भी गए थे, बट आपको हमने लास्ट टाइम बहुत डिटेल में दिखाया था। बट आज हमारा उसका मोटिव थोड़ा सा और है, हमारे को दर्शन करने हैं वहाँ पर, और उसकी क्या स्टोरी होगी आपको बता देंगे बाद में। बट पहले फटाफट आप पहुँच जाए क्लब महिंद्रा से, हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, मतलब 3 किलोमीटर पकड़ लो तो फटाफट पहुँच जाएंगे। तो वहीं चल के बात करते हैं आगे की सारी, और देखते हैं कि क्राउड का कैसा सीन है, क्योंकि संडे है और यहाँ पर जो इनके गाँव वाले हैं बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर पर सुबह। और अभी जैसे मैंने बोला 10:15 के अराउंड टाइम हो चुका है, सो लेट्स सी व्हाट्स इन स्टोर फॉर अस। भाई गिरिजा देवी तो राइट नहीं है, अगर रश देखो बाहर डर लग रहा है मुझे अभी से, बट एक बार अंदर चल के देखेंगे तो ज़रूर के क्या सीन है, उसके बाद कॉल लेंगे। बट ये है कि चलो आ तो गए हैं ना। चेंज लग रहा आज, ये थोड़ा बना दिया है ना और ज़्यादा, पहले जब आता था एकदम रॉ पड़ा रहता था ये, उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो पहले भी थी बट अब लोगों को पता चल गया इसके बारे में, जैसे हमें पता चल गया क्या चीज़ है ये। बहुत बड़ी भाई, तो बाहर से पूरी मतलब पार्क लोगों ने यहीं कर रखी है, और पार्किंग तो इसकी अंदर जाकर है। सो अब मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है कि कैसे जाएंगे। फोटोग्राफी कर ले भाई तू, पहले फोटो ले ले उसकी, यहाँ सड़क से ही ले 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 भाई, ले फोटो ले। हो गया, जाएं अब हम, सड़क पे ले रहा है भाई। यहाँ तो बुरा हाल हो गया है, पीछे भी पूरी गाड़ियाँ फंसी पड़ी हैं, यहाँ पर भी हम फंसे पड़े हैं, समझ नहीं आ रहा कहाँ जाएंगे यहाँ से। आगे तो पूरा ही बंद है आगे, मतलब प्रॉब्लम ये हो जाती है ना यार, लोग जो है ना लेन्स बंद कर देते हैं। अब इधर वाले इधर हो गए, इधर वाले इधर हो गए, उस चक्कर में तो सारे ही फंस गए ना इधर। लग रहा है जा पाएंगे? जाना तो है ही, चले तो जाएंगे पर टाइम बहुत लग जाएगा। अब तो अंदर ही नहीं पहुँच पा रहे हम, मुझे नहीं लग रहा जा सकते हैं अंदर, जगह ही नहीं है। पार्किंग के यहाँ से भी गाड़ी कैसे घूमेगी, मैं तो ये सोच रहा हूँ। भीड़ देखो भाई, देखिए जंगल है आसपास इतना ज्यादा, और यहाँ भीड़ देखो एक बार भाई। जैसे तैसे कैसे हमने यहाँ पे गाड़ी घुमाई है, क्योंकि यहाँ पे लोकल्स ने बहुत हेल्प करके घुमाई गाड़ी पार्किंग के अंदर से, क्योंकि कह रहे हैं पीछे बस खड़ी है, सुबह से फंसे हुए हैं लोग यहाँ पे और निकल नहीं पा रहे। तो हमने सोचा कि बेस्ट ऑप्शन यही है कि अब बस निकल जाए यहाँ से, कोई फायदा नहीं है। प्रे कर रहे हैं हम कि सॉरी हम अभी पूरा अंदर नहीं आ पाए, बट नेक्स्ट टाइम हम 100% करेंगे। ये देखो गाड़ियाँ कैसे घूम रही हैं यहाँ से, क्योंकि अंदर नहीं जा पा रहा और रश बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बट ये चीज़ तो हमारे सबक है कि भाई अब से हमारे को वीकेंड पे हम यहाँ नहीं आएंगे, वो भी सुबह के टाइम पर। सब लोग घुमा रहे हैं गाड़ी, और ऑप्शन ही नहीं है, क्या करोगे? या तो पूरा बाहर लगा कर उसके बाद अंदर आओ। जब हाल देख लो यहाँ पर, कहाँ गाड़ी बजा दी हमने, ये उल्टे आने वालों से बड़ी दिक्कत होती थी। जो बाइक्स वाले हैं ना, इन्होंने पूरी लेन फंसा दी वो वाली उल्टे आकर। अभी हमारे को कोई मार देगा गाड़ी पे खाम का, देखो बोल रहा बंदा इसीलिए उन्हें। सो भाई हम बहुत देर लगा के, मतलब दर्शन तो नहीं हुए अंदर तक नहीं जा पाए, बट एटलीस्ट अभी ये है कि हम बाहर निकल गए, जो कि एक टाइम पे मुझे लग रहा था कि नहीं होने वाला है। ये तो उल्टा ही जा रहा है सीधा, कैसे जाता ही जा रहा है इतनी स्पीड में।
क्योंकि वहाँ पर इतना बुरी हालत थी कि एक बार को ये हो गया था कि हमारे को वहीं रुकना पड़ जाएगा शायद शाम तक, क्योंकि जब तक आगे वाली गाड़ियाँ नहीं निकलेंगी तब तक पॉसिबल नहीं था. बट हैट्स ऑफ टू लोकल पीपल जिन्होंने इतनी वहाँ पे हमारी गाड़ी घुमा के हमारे को निकलवा दिया. बट ठीक है यार, वापस आएंगे हम उस टाइम पे, दोबारा से दर्शन कर लेंगे. बट हमने इसका व्लॉग पूरा डिटेल में बनाया हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा है हमारा पुराना सीरीज तो मैं उसमें वैसे लिंक डाल दूंगा यहाँ पर, तो आप प्लीज़ गिरजा देवी का व्लॉग ज़रूर देखना और देखना क्या इनकी स्टोरी है और क्या मान्यता है यहाँ पर. आपने भीड़ से समझ ही गए होंगे अब तक. भाई देखो, हम तो चप्पलों में ही चले गए थे क्योंकि वहाँ पर उतारनी पड़ती है, अब जूते पहने वापस. बाय द वे हम महिंद्रा पहुँच गए हैं पार्किंग में, तो यहाँ पे जूते वूते पहनते हैं जब तक पापा अम्मा आ जाएंगे, फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट पर. कहाँ से लाई है तू? मैं ले आई इसकी मम्मी से, बस थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी में है ये, क्योंकि हमने अभी पास तक जाना है. हमने कहा तब तक इसको हम रख लेते हैं, है ना नानी? चलो भाई. माय नेस्ट, यहाँ का हमने पूरा एक ब्लॉग बनाया हुआ था लास्ट टाइम, तो अलग से तो मैं दोबारा नहीं दिखाने वाला हूँ यहाँ पे. बट नेस्ट में ब्रेकफास्ट के लिए यहाँ से करके फिर निकल जाएंगे गुड़गांव के लिए. तू तो हाँ है, हाँ कहती हाँ. टुडुंक्स टुडुंक्स, देख ऊपर गया इसमें टुडुंक्स टुडुंकु. तो भाई ब्रेकफास्ट डन, बस निकलने लगे हैं. ये जगह है द नेस्ट, हमने आगे पूरा एक डिटेल व्लॉग बनाया हुआ था लास्ट टाइम, तो हर बार मैं यही कह रहा हूँ कि ये हमारे व्लॉग्स पिछली सीरीज में जाकर चेकआउट कर लो, पता चल जाएगा बहुत रेट्रो फील है यहाँ पर. देख लो एक बार, चलो फटाफट दिखा तो दूँ आपको एक बार. ये टुडुंकू भी यहीं से उठाया तूने? मतलब मैं क्या कभी किसी से ले लेती हूँ, कभी उठा लेती हूँ, मेरे पास अपने आप तो ये आ ही नहीं सकता. कभी भी उठाया था तो कुछ तो किससे लेके आई है. इसका उसका वो डक भी वहीं पड़ी है. वैसे इनका आउटडोर भी है बट अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है. सर गाड़ी स्टार्ट करी हुई है 2 मिनट मैंने पहले, धूप में थी, सब लोग आ गए हैं बस. बट ग्रीन हाउस इफेक्ट है ना, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाती है. ये सीन है कि यहाँ पर भी ना गर्मी है काफ़ी, अब ये नहीं सोच के आ सकते कि गर्मी नहीं है. शाम को ठंडा है दिल्ली के कंपैरेटिवली, बट अभी इट्स हॉट यार. बट सीरियसली बताऊँ तो कंपैरेटिवली थोड़ा कम है बट गर्मी काफ़ी है. इट्स ऑलमोस्ट 2:150 हो रहा है और अब हम यहाँ से एक तरह से सोच के कॉर्बेट से निकल रहे हैं, तो हमारे को आराम से रात हो जाएगी पहुँचने में. अब सोच रहे हैं कि यार गाड़ी भगाई जाए, अब सीधा शाम को थोड़ा चाय टाइम पे रुकेंगे, फटाफट निकलते हैं. एनीवे हम बहुत लेट हैं आज, इतना लेट हम कभी नहीं गए. हाँ इतना लेट कभी नहीं, चल कोई नहीं, हमें क्या जल्दी है, आराम से जाओ क्या. और ट्रैफिक में तो मैं चलाऊंगा ना शाम. तो गाइस 5:15 हो गए और हमारे को अभी थोड़ी देर लगेगी यहाँ से दिल्ली कुछ 80 किलोमीटर्स है. बट हम लोग रुके हैं आम लेने के लिए. सामने देखो ये पूरे आम वाले हैं, पापा और यशवी ही गए हैं और सना विवेक और टुडुंकू वो आगे हैं हमसे, तो हम अभी सबके लिए ले लेंगे. अभी लग रहा है कि यहाँ से लेके निकले उसके बाद चाय पीनी है भाई. आगे हम रुकेंगे, अभी देखते हैं कहीं पे जहाँ रुकेंगे आपको दिखा देंगे. सो भाई एग्जैक्टली 6 और हम अभी रुके हैं शिवा ढाबा, मामा यादव बेसिकली. तो चलते थोड़ा चाय पकौड़े खाते हैं जरा. क्या हो गया, चलो आराम से. टुडुंकू कितना प्यारा लग रहा है. टुडुंकू आप उसे रुलाना मत, इसे टांग मारेगा मेरा. देखा कह रहा हूँ आप उसको रुला दोगे. टुडुंकू टुडुंक जहाँ भी हम इसको रखते हैं ना, तो ऐसे बाहर से एकदम से लोग आ जाते हैं इसको देखने, तो हमें सबसे बचा के रखना पड़ता है. एकदम आके देखते हैं लोग इसे. ये देखा ऐसे करते हैं लोग. सर 7:15 हो गए ऑलमोस्ट और अभी हम शिवा से निकल रहे हैं. गाड़ी ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर चल गई, एक बार मैंने अभी दोबारा से फ्यूल ले लिया है, तो बस निकलते हैं यहाँ से यार. बाकी लोग जरा आ रहे हैं बस 2 मिनट में, जब तक हमने इसको लिटा रखा है अपने पास ताकि इसको हवा लगती रहे. क्योंकि मैंने बीच में रुक के पकौड़े नहीं खाए थे, तुमने खाए थे इसलिए. 8:47 और हम ऑलमोस्ट घर पहुंच गए अंडर पास, ऐसा पता चली जाता है भाई. गुड़गांव के दही कबाब आज हमारी सुबह से तैयारी चल रही है भाई, बहुत तगड़े अपने ट्रिप के लिए.
उसी में लगे हुए हैं हम लोग। गाड़ी का भी काम था वो भी अभी चल रहा है, ये जो प्राणी मेरे साथ बैठा है इसको शॉपिंग करने थी वो भी मैं इसे करा कर ले आया हूँ, और मैं साथ साथ व्लॉग्स भी एडिट कर रहा हूँ। इतना काम मैं करता हूँ, देख इतना इतनी मेहनत। कॉर्बेट वाले दो व्लॉग्स बने हैं, मैंने दोनों एडिट कर दिए हैं, बस ये उसका फाइनल मैंने इसमें डालना है। और स्पीति के लिए हम लोग निकल रहे हैं कल सुबह सुबह, उसका तो सीन चलो कल के व्लॉग में को सब पता चलेंगे, अब आगे तो स्पीति की सीरीज़ के व्लॉग्स बनेंगे। बट कॉर्बेट वाले दोनों व्लॉग्स मैं लगा के जाऊँगा ताकि आपको दोनों दिन वो एटलीस्ट देखने को मिल जाए कुछ। इतना ज़्यादा ऐसा नहीं था, अब एक्सपेक्टेशंस मुझे पता है ऐसी तो खैर आप देख ही चुके हो अभी तक दोनों जिन्होंने देख लिए, बट आके हमारा कॉर्बेट का एक और बार हम बनाएंगे दोबारा, क्योंकि मेरे को नई चीज़ें आपको दिखानी है जो कि अलग ही लेवल पे होने वाली है, ठीक है? तो उसके लिए वेट करना, बट उसके पहले स्पीति का हमारा ये जो सीरीज़ है इसको प्यार देना जो कल से शुरू होने वाली है हमारे लिए, आपके लिए बाद में होगी, आपके लिए भी कल से शुरू हो जाएगी अगर आप हमारे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लोगे। अश्वी क्या है हमारी आईडी? अश्वी को मैंने इसी के लिए रखा हुआ है कि इंस्टाग्राम की आईडी बता दिया करेंगे बीच में, माइल्ड डॉट चेजर्स पे जाके फॉलो कर लो, वहाँ पर भी आपको कल से रेगुलर अपडेट्स मिल जाएंगे स्पीति के बारे में भी। और अभी का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है व्हाट्स एनी रीजन तो उसको लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो फटाफट, अच्छा अच्छा कंटेंट हम लेकर आते रहते हैं, और हम आईपीएल से आ चुके हों तो आगे भर भर के कॉन्टेंट आता रहेगा, ठीक है? फिर आप है तो हम है, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। सी यू।